Congratulations on Life Christian University's 10th anniversary grand commencement. I'm honored to be an LCU graduate. It is an institute of excellence, and I'm thrilled to see how God is expanding it so quickly around the world. गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों का और एक बार हम स्वागत करते हैं। हमारा विषय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, ये लगातार चल रहा है। हमारी प्रार्थना और प्रयास यही है कि प्रभु के वचन के द्वारा आपके परिवार को हम दृढ़ कर सके। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में ना, चिल्ड्रन का माता पिता के साथ संबंध, लॉज अबाउट इन लॉज, ये भी हमने कर चुका है। बहुत सारे सीरीज ऑफ सर्मन ले चुके हैं ना। नीचे दिया गया हुआ हमारा यूट्यूब एड्रेस है, इस पर आप लॉग ऑन करेंगे तो पूरे सर्मन आपको मिल जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते जो गवाहियां हमें सुनने मिल रही है। आप लोग ने प्रार्थना निवेदन मांगे और हमारे यहाँ निरंतर यहाँ पर प्रार्थना आपके लिए जारी है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, ये बाइबल में लिखा है। जब ये परमेश्वर का वचन आपके घरों में गूंज रहा है ना, जहां प्रभु का वचन है वहां परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन को, घर को दृढ़ बना देगा, मजबूत बना देगा। इन वचनों को स्वीकार करो। ये प्रभु के वचनों को आज्ञा समझ करके पालन करना हम चालू कर दे और देखिए हमारे वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कितनी हरियाली, आनंद और खुशी आते जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं सारे स्पॉन्सरर्स का जो आप आगे आए हैं। प्रभु ने आपके दिलों में डाला है ताकि आप अपना हाथ बढ़ा सके ना, ताकि ये वचन कितने घरों में जा सकते हैं। ये आपके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी अगर कोई लोग है स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं, आत्मा ने बोला है तो कोई हमारे पास विकल्प रहता ही नहीं है ना। आत्मा की बात पालन करें और जरूर प्रभु आपको और भी आशीष देता जाएगा। आइए हम तुरंत प्रभु के वचन में जाएंगे और यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट संडे शुरू किया था। हाउ आर द माइटी फॉलन, हे शूरवीर ना तू क्यों कर गिर पड़ा। ये दाऊद की प्रार्थना थी, दूसरा शैमुएल 1:19 में, जब योनाथन और सॉल लड़ाई में वो हार गए थे। ये योद्धा थे, ये माइटी मैन थे उन दिनों का। दाऊद तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि ये कभी तलवार से गिर सकते हैं। यही शीर्षक आज का भी रहेगा। हम भाग दो में जाएंगे। थोड़ा भाग दो में जाने से पहले थोड़ा रीकैप, हम लोग भाग एक पार्ट 1 का हम करना चाहते हैं और कैसे हमने पढ़ा ना, कितने शूरवीर क्यों फिजिकल बैटल में नहीं स्पिरिचुअल बैटल में वो गिर गए, आत्मिक लड़ाई में गिर गए, गंदगी पाप में, लोभ लालच में, रुपया पैसे की जाल जो शैतान ने बिछाया था उनके जीवन में, वो सब अपने अभिषेक को उन्होंने गवा दिया। घर परिवार उनका बर्बाद हो गया ना, घरों में तलाक आ गए, बच्चे बेघर हो गए। वो शैतान आज भी लगा हुआ है कितनों के जीवन को बर्बाद करने के लिए ना। हम लोग ने उदाहरण भी लिया था बहुत सारे बाइबल से ना, कैसे आदम ने भी गलती करी, कैसे शमशून ने भी गलती करी और कैसे डिलाइला को ना वो लोग ने 1100 चांदी के सिक्के एक एक जनों ने दिया था। इसीलिए दिया था कि पता लगा शमशून का महाबल कहां पर है। आज भी शैतान यही कार्य में लगा है। प्रभु के दास दासियों का, विश्वासियों का महाबल कहां पर है। डैनियल का महाबल प्रार्थना में था ना, वो वहां पर प्रार्थना और उसी में गिराने को चाहा, वो शेर के पिंजरे में डाला गया पर प्रार्थना कमी ना की गई ना। शैतान हमारे ना महाबल को चुराने के पीछे में वो लगा हुआ है। हमारी भूल चूक, हमारी गलती, हमारी वीकनेसेस को वो सब जानता है और उसी पर जाल बिछाने को देखेगा। हमने पढ़ा था अडल्ट्री, एक्स मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल सेक्स, लिविंग पार्टनर्स, ये आजकल के दिनों में कितना हम सुनते जा रहे हैं, घरों में, शहरों में, इवन चर्चेस में ये बातों को सुनाई आते जा रही है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने घर को सुरक्षित रखने पाऊं, क्योंकि मैंने बताया था वो वेश्या वेश्या के वस्त्र में नहीं आएगी,
ना कई बार वो साधारण सिंपल जो एक स्त्री जो जरूरतमंद है और किसी कारण से आपके पास में आती और फिर कुछ लोग सीमा को पार कर देते हैं ना, सो ये बहुत ही गंभीर सबक है। इसी को मैं आगे आज लेना चाहता हूं और आज का मुख्य वचन पाया जाता है पहला करंथी 10 चैप्टर और 12 कलम। पौलुस कह रहा है करंथ की कलीसिया को, पहला करंथी 10 चैप्टर 12 कलम, इसलिए जो ये सोचता है कि वो दृढ़ता के साथ खड़ा है उसे सावधान रहना चाहिए कि वो गिर ना पड़े। इंग्लिश में सो लेट हिम who thinks he stands, take heed, lest he fall. जो दृढ़ता के साथ में खड़ा है सावधान ना, उनके लिए भी कह रहा है जो विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, चर्च में आप अगुवे है, लीडर है, पास्टर है, बिशप भी बन गया, सभी के लिए वचन है कि सावधानी हम सब ने बना करके रखे। पौलुस कहता है पहला करंथी 10 चैप्टर में, उसी में जब हमें कुछ शिक्षा दे रहा है कि कैसे बाइबल में उन दिनों में लोगों ने गलती किया ना, कोई व्यभिचार किया, कोई मूर्ति पूजा, कोई खोटे खोटे कामों के लिए प्रभु का क्रोध होने लग गया। पहला करंथी 10 और 11 में पौलुस कहता है परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी थी दृष्टांत की रीति पर थी और वो हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। वो सारी बातें हमने पढ़ा था part 1 में भी, कैसे शमशून स्त्रियों के चक्कर में अभिषेक को गवा दिया, कैसे यहूदा इस्करियोट ने पैसे के लोभ और लालच में ना यीशु मसीह को बेच दिया, कैसे पत्रस में कुछ घमंड कुछ समय पर घुस गया और वो तो यीशु मसीह को झड़पने लगा था, कैसे दाऊद बैतशीबा के कारण एक स्त्री के लोभ और लालच में वो गिर पड़ा और उस कारण से उसके परिवार में नुकसान और पहला बच्चा जो बैतशीबा से पैदा होता है मर गया था, कैसे सुलेमान ने कितनी देश देशियों की स्त्रियों को लेकर के आया, उनके साथ उनके देवी देवताओं को भी लेकर के आया ना, और उसका राज्य आगे में पूरा रद्द कर दिया गया है। ये सूरवीर थे, ये योद्धा थे, ये बड़े प्रभु के बड़े बड़े दास दासी लोग थे और कैसे कुछ भूल चूक गलतियां हो गई और अभिषेक को गवा दे। इसलिए आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पौलुस जो सोचता है दृढ़ता के साथ खड़ा है सावधान रहना चाहिए कि वो गिर ना पड़े। आपकी उम्र कितनी भी होगी, आप कितने भी बड़े प्रभु के दास भी होंगे, सावधानी बनाना हम सभी को बहुत जरूरी है ना। इसलिए आज का सबक जो मैं लेने वाला हूं आपको डराने के लिए नहीं रहेगा ये ना, परंतु इसीलिए कि आप सुरक्षित अपने जीवन को बिताए ना, हमको शैतान के जो जाल बिछाता है उससे हमको सावधानी रहना हमें बहुत जरूरी है। आज का जो मुख्य पाठ होने वाला है ये हमारे लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में LCU भी जो हम कहते हैं ना, इसके फोर्थ ईयर में एक बहुत अच्छा विषय आता है जो कहता है मिनिस्ट्रियल एथिक्स ना, सेवक का पासवानों का आचरण, उनका व्यवहार, उनका नैतिक व्यवहार कैसा रहना चाहिए। और इस किताब के लेखक मिनिस्टर एथिक्स के ट्रल एंड कार्टर की किताब आपको मिलती है तो जरूर से आप पढ़िएगा। इसी में से कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, सुनिएगा। ये सर्मन तैयार करने मुझे एक्चुअली में बहुत परेशानी हुई, बहुत कठिनाई हुई कि कैसे मैं इसको टीवी के माध्यम में इसे प्रचार कर सकता हूं, पर प्रभु ने दिल में बोझ डाला कि ये बांटना बहुत जरूरी है ना, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि प्रभु का खरा वचन आपके घरों तक पहुंचा सके ताकि आपका घर परिवार सुरक्षित होना चाहिए ना। इसलिए ये कुछ मैं आगे चिन्ह लेने वाला हूं, पॉइंट्स लेने वाला हूं, कुछ 8 पॉइंट्स मैं लूंगा जिस कारण से ना हमको कुछ लोगों ने सावधानी नहीं बनाई और उनका जीवन गिर जाता है पाप में ना। आइए इसी किताब में से कुछ पॉइंट, इस कोर्स में से कुछ पॉइंट्स और आगे मैंने भी कुछ बातों को जोड़ा मैं लेना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये होता है फीलिंग सेक्सुअल अराउजल, यौन उत्तेजना महसूस करना ना, ये पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं कि ये वार्निंग साइंस है ना। आप किसी के साथ में काम कर रहे हैं, कुछ आप ना साथ में मिलकर काम करना पड़ता है ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में ना, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं तो कुछ उसमें यौन उत्तेजना पैदा तो नहीं हो रही है, ये आपको अपने आप प्रश्न पूछना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई बातें हो रही है, दिल में कुछ लग रहा है तो आपको सावधानी बनाना बहुत जरूरी है।
वो दाऊद ने जब बेतशीबा को, दाऊद राजा ने बेतशीबा को नहाते देखा, शायद वो कुछ सेक्सुअली अराउज हो गया होगा, क्योंकि लिखा है बाइबल में वो स्त्री देखने में सुंदर थी, और जितने बार वो देखता जाता होगा उतने अंदर उसके अंदर में सेक्सुअली अराउज होता जाता है वो ना, और वो आगे चल करके उसके साथ उसका व्यभिचार भी कर दिया, बच्चा भी पैदा हो गया, अपने पाप को ढकने के लिए उसने बेतशीबा के हस्बैंड ऊरिया को मरवा भी दिया, एक के बाद एक पाप करना पड़ा उसको ना, क्योंकि वो स्त्री को देख करके कुछ यौन उत्तेजना हो रही है। ये इंडिकेटर्स है, 8 पॉइंट्स में बताने वाला हूं, आपके संबंध में जो भी लोग हैं ऐसी कोई भावना उत्पन्न तो नहीं हो रही आपके साथ में उस स्त्री के, उस पुरुष के कारण ना, ये पहली बातें आप सोचना चाहिए। दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूं, एक साथ अधिक समय खर्च करना, स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम टुगेदर, एक्स्ट्रा टाइम। देखिएगा आजकल का वर्क कल्चर मांगता है कि स्त्री और पुरुष एक साथ काम करें, कई बार बंद कमरे में भी काम करना पड़ता है, लंबे घड़ी तक ना, रात भी हो जाती है और काम तो करना ही है, बॉस ने बोला है ना। अगर आप ऐसे वातावरण में कहीं पर बैठे हैं ना, और आपको लग रहा है ना कि आप अकेले हैं स्त्री इस पुरुष के साथ में, तो आप इंटेंशनली जानते हुए ना अपने आप को उस कंडीशन सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखना, सुरक्षित रखना जिम्मेवारी आपकी होगी ना। कोई दरवाजा खोलना है, कोई पर्दा खोलना है ताकि आर पार दिख सके आप वहां बैठे हैं ना, ये आपको करना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो शैतान शायद वहां पर कुछ एक पाप का जाल भी बिछा पाएगा ना। बहुत सावधानी के साथ में हम एक किताब भी पढ़ रहे हैं जिसका लेखक है शर्ली ग्लास, बहुत अच्छे लेखक, और उसने उसका किताब का नाम है नॉट जस्ट फ्रेंड्स, केवल मित्र ही नहीं, नॉट जस्ट फ्रेंड्स। उसने कहा इसी किताब में कि जो 350 लोगों का इंटरव्यू उसने ली, उसमें से लगभग 50% मैरिड वुमन और 62% मैरिड मैन डीप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो वर्कप्लेस में चालू हुआ था उसमें वो गिर पड़े ना। 350 लोगों में से 50% से ज्यादा ने कन्फेस करके बताया ना, वर्कप्लेस में जहां नौकरी पर जा रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा है, काम करना ही पड़ता है एक साथ मिलकर के ना, काम करते 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 कुछ सीमाएं पार हो गई है ना, और लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाहर कुछ संबंध, रिश्ता ना, कुछ लफड़ा भी वो चालू कर देते हैं। उस स्त्री ने, लेखक ने लिखा कि कई बार ना कुछ लोगों के साथ बार बार मुलाकात करना पड़ता है नौकरी और काम के कारण, उसके कारण धीरे धीरे करके संबंध और रिश्ता बढ़ते जाता है, और जब लोग अपने संबंध और रिश्ता को सीमा के अंदर नहीं रख पाते हैं तो फिर धोखा भी हो जाता है ना। अभी ये नहीं बोल रहे हम कि आप नौकरी पर मत जाओ, काम पर मत जाओ, जाना ही पड़ता है ना, अपन को काम भी करना पड़ता है विद द ऑपोजिट सेक्स के साथ में भी ना, परंतु कुछ सीमाएं बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि वर्क प्लेस में बहुत सारे बार लोगों से धोखा हो जाता है ना। इतने कितने बार हम लोग ने सुना है लोगों से, अरे वो कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मित्र है, मेरी दोस्त, किसका फोन आया, मेरे दोस्त का फोन आया, या तो वो तो सिर्फ बहन है, प्रभु में बहन है मेरा, प्रभु में भाई है वो मेरा प्रेयर पार्टनर भी है ना। अभी सावधानी बनाकर रखना है हमको ना, नहीं तो वो मित्रता कहीं पर दूसरा संबंध ना बन जाए उस व्यक्ति के साथ में। हम लोग ने तो हमारे इवन गांव के चर्चेस में भी ये सुझाव रखा है पासबानों के साथ में, अपनी मोटरसाइकिल में भी ना कोई स्त्री कोई बहन को आप ना बिठाएंगे, आप पास्टर हैं, क्यों ना वो स्त्री पैदल भी जा रही हो, आपके मोटरसाइकिल में जगह है बिठाने का, आप ना बिठाएंगे, कुछ सेफगार्ड्स, कुछ सुरक्षा रखना पड़ेगा हमको ना। मैं सोचता हूं इसीलिए तो यीशु मसीह ने दो दो करके चेलों को भेजा था ना, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हिसाब लेखा होना चाहिए, भाई कहां गया था, किससे बातें कर रहा था ना, इसलिए वो भी बातें बहुत जरूरी होती है ना। तो दूसरा पॉइंट भी हमने पढ़ा, स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम टुगेदर ना, एक दूसरों के साथ में कुछ ज्यादा ही लंबा समय बिताने से भी कुछ सीमाएं पार हो सकती है। तीसरा पॉइंट पढ़ना चाहता हूं, डबल मीनिंग जोक्स, डबल अर्थ वाले चुटकुले, डबल मीनिंग जोक्स ना।
अभी देखिए, जब ऐसे कुछ जोक्स लोग क्रैक करते हैं ना, वो थोड़ा पानी को परख रहे हैं, इंग्लिश में दे आर टेस्टिंग द वाटर्स ना, इसलिए करते हैं कि देखने के लिए अगला जन कैसा लग रहा है ये जोक सुन करके, क्या ये गंदे जोक्स बोलने से अगला जन हंस पड़ता है ना, उसको एंटरटेन लग रहा है सुनते सुनते ना, वो अगला जन भी कुछ गंदे जोक्स क्रैक करना चालू कर दिया है, कुछ चीप जोक्स बोल रहा है ना। जब ये टेस्टिंग होता है पानियों का, टेस्टिंग द वाटर्स होता है ना, तो थोड़ा सा लगता है भैया इस व्यक्ति को मजा आ रहा है मेरे जोक्स के साथ में, और फिर ना गंदे गंदी बातें करना चालू हो जाता है। पौलुस ने भी कहा कलोसी 3 और उसका 8 कलोसी 3:8 में, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रीष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकने, ये सब बातें छोड़ दो। वहां जो लिखा है मुंह से गालियां बकना, फिल दी कम्युनिकेशन इंग्लिश में लिखा है ना, मतलब गंदी गंदी बातें करना ना उसको तुम छोड़ दो, ना केवल क्रोध को छोड़ो, ना केवल गुस्सा को छोड़ो, खोटे काम करना छोड़ दो, परंतु गंदी गंदी बातें करना भी छोड़ दो। अभी मेरा मुख ना, ये प्रभु के वचन इसमें से निकलना चाहिए, सुंदर शब्द निकलना चाहिए। पौलुस ने और एक जगह कह दिया, इफिसी 5:3 में कहता है, और जैसा पवित्र लोगों को योग्य है वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना करे ना, जो खोटे काम किए जाते उसकी चर्चा भी ना करने पाए, बातचीत भी ना करने पाए। सो ये वाले जोक्स भी अगर आप क्रैक कर रही है, वार्निंग साइंस है आपके लिए, अगला जन आपको गलत इंटेंशन के साथ में अप्रोच कर रहा है ना, ये सावधानी को हम बनाए रखना बहुत जरूरी होता है ना। इसलिए हम बड़े सावधानी के साथ में ना एक अच्छा वातावरण में हम लोग काम करना चाहिए ना, ताकि शैतान को कहीं भी मौका ना देने पाए ना। चौथा पॉइंट लेना चाहता आप लोगों के बीच में, और प्री ऑक्यूपेशन विद सेक्सुअल फैंटेसीज, यौन कल्पनाओं के साथ अति व्यस्तता ना, यौन कल्पनाओं, फैंटेसी, फैंटेसी का इंग्लिश मीनिंग कहता है इमेजिनेशन, especially when extravagant and unrestrained, कि ऐसी कल्पनाएं जिसमें कोई रोक नहीं है, आदमी सोचता 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 और कुछ भी सोचता रहता है। आजकल देखो इंटरनेट में तो ऐसी गंदी गंदी सेक्सुअल फैंटेसीज दिखा दिया जा रहा है ना, ताकि लोगों के अंदर में वो भूख और प्यास तलब पैदा हो जाए और वो जाकर अपने देह में भी ऐसा ही करने लगे ना। मैं तो कहता हूं इंटरनेट आजकल ऐसा बन गया जैसे कि ईडन वाटिका, गार्डन ऑफ ईडन ना, ईडन गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर अच्छे पेड़ पौधे फल पक्षियां, बहुत वैसे इंटरनेट में भी आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें तो है ना, पर कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम कहेंगे फॉरबिडन फ्रूट्स, उस फलों को ना देखना, ना सुनना, ना चखना, ना छूना ना। और शैतान का काम है जो बोला जाता है नहीं छूना और नहीं देखना, उसी के तरफ में हमारी ना लालसाएं को पैदा करता है ना, कि हम भी उसके तरफ में हाथ बढ़ा ले और धोखा हमारे साथ में हो जाए ना। सो इसलिए बुरी बुरी तस्वीरों को ना दिखाना चाहता है इंटरनेट के माध्यम के द्वारा भी। हम जानते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड तस्वीर में जो तस्वीर बता दिए जाते हैं, ये सब अनरियलिस्टिक है, अनरियल है, ये हकीकत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। पर जवान लोग, जवान मन जिसका है ना, इनोसेंट माइंड होता है, वो लोग बहक जाते हैं, सोचते कॉलेज जाएंगे तो ऐसे ही छोटा है भैया, ऐसी गर्लफ्रेंड और ऐसी बॉयफ्रेंड होते हैं, ऐसी मजा मस्ती होते हैं। पर देखा ना सिनेमा हॉल्स में आपको सीनियर लोग नहीं मिलेंगे, बुजुर्ग लोग नहीं मिलेंगे, वो चख लिया जान लिया भैया ये सिनेमा, ये नाच रंग सब ढोंगी है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है ना। पर शैतान का काम ही धोखा देना और जवानों को ऐसे माध्यम के द्वारा फंसाने को देखता है। तो देखिएगा सिनेमा हॉल्स में भी ना, वो सिनेमा के द्वारा कोई जॉय, आनंद, प्लेजर, वो क्षण भर का सब दिखा रहा है शैतान, पर एक्चुअली में ये सारी बातों करने से और दुख और दर्द व्यक्ति में लेकर के आ जाते हैं। परंतु अफसोस की बात है, बहुत सारे माइटी मैन, माइटी वुमन, अच्छे घर, अच्छे परिवार भी ऐसे फैंटेसीज ना, वो कल्पनाएं को पूरा करने को चलते हैं अपने लाइफ में भी
देखिएगा जब टेलीविजन जब पहले पहले में नया नया आया था, आज से 20 साल पहले की बात होगी ना, लोगों ने कहा था ये तो शैतान का एक डिब्बा है, इसको घर में कभी मत लाना ना। परंतु आज तो टेलीविजन हर घर में पाया जाता है, जरूरी भी है, न्यूज भी देखते हैं, कुछ अच्छी बातें भी उसमें पाई जाती है, आज शुभ संदेश भी देख रहे हैं आप टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के भी द्वारा ना। परंतु इसको हमको फिल्टर करना जरूरी है। इंटरनेट भी अभी तो उसके बिना जी नहीं सकते, हर घरों में जरूरी हो गया ना, परंतु आपको फिल्टर करना बहुत जरूरी होता, क्या देखना क्या नहीं, ये चॉइसेस हमको हमारे सामने में सब आते हैं ना। पॉलुस ने भी कह दिया दूसरा करंथी 10 चैप्टर और 5 कलम में, दूसरा करंथी 10 5 में कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। ये जिम्मेवारी आपकी है, मेरी है ना। मन में कल्पनाएं एक खोटा विचार ना, विचार एक बीज के समान बो देता है शैतान मेरे मन में ना, और उसको मैं बार बार सोच रहा हूं, मतलब मैं उसमें पानी डालते जा रहा हूं, और एक दिन वो बीज जरूर से फल लेकर के आ जाता है ना। पौलुस कहता है ऐसे विचारों को हमको खंडन करना बहुत जरूरी होता है। पांचवा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आपको, इन अप्रोप्रिएट और प्रोलॉन्ग टचिंग ना, अनुचित छू लेना या लंबे समय तक छूते रहना ना। अभी देखो हमारी भावनाएं हम शब्दों के द्वारा भी प्रकट करते हैं, परंतु स्पर्श करने के द्वारा भी कुछ भावनाएं कन्वे होती है ना, कुछ हाथ मिलाने से या सहानुभूति ना, छाती पर माथे पर किसी ने छू दिया, कुछ तसल्ली लगती है, फीलिंग्स ना टच करने के द्वारा भी कन्वे की जाती है। अभी देखिए स्पर्श करना तीन तरीके का होता है, एक गुड टच बोलते हैं, एक कंफ्यूजिंग टच बोलते हैं, और एक बैड टच ना। अच्छे रीति स्पर्श करना, कुछ गुमराह रीति से कुछ सिग्नल्स भेजना, और खैर बुरा टच भी होता है। देखिएगा यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना किया, पर उसके हाथ रखने में कोई और डबल अर्थ नहीं निकल रहा था ना, बीमार चंगे होते जा रहे थे, और उसने कह भी दिया मरकुस 16:18 में ना कि बीमारों पर हाथ रखे प्रार्थना करना और वे चंगे हो जाएंगे। अब हाथ रखे प्रार्थना पर हाथ कहां रखा जाए और कहां नहीं रखा जाए, ये हमने एलसीयू क्लास में सब सिखाया हमारे स्टूडेंट्स को ना, ये एथिक्स वाली बात है, नैतिक वाली बात है ना, सावधानी के साथ में। अगर एक पुरुष जन लेडीज के लिए प्रार्थना कर रहा अपनी वाइफ को लेकर के जाए, उस स्त्री का पेट दुख रहा है तो वाइफ उसके पेटों पर हाथ रख सकती है ना, हस्बैंड सिर्फ माथे तक, पुरुष सिर्फ माथे तक हाथ रखने की सीमा उसके पास होती है ना, नहीं तो कई बार स्पर्श करने के द्वारा गलत मैसेज भी चले जाता है। इसलिए हम सावधानी के साथ, मेरे स्पर्श करने के द्वारा कुछ गलत सिग्नल तो नहीं जा रहा है अगले को, ये अपने आप को प्रश्न पूछना जरूरी है ना। एक और एक पॉइंट, छठा पॉइंट कहना चाहता हूं, एक्सचेंजिंग ऑफ पर्सनल गिफ्ट्स, व्यक्तिगत उपहार का आदान प्रदान, कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहा है क्या एक दूसरों के साथ में ना, जिसके द्वारा कुछ फीलिंग्स कन्वे हो रही है ना। देखो गिफ्ट्स के द्वारा भी हम लोग अपनी भावना को कन्वे करते हैं। श्रेष्ठ गीत चैप्टर 7 और उसका 7 में लिखा है, इक्लिजियास्टिक 7:7 में कहता है, और घूस से बुद्धि नाश होती है, घूस गिफ्ट से डिस्ट्रॉय द हार्ट ना, वो गिफ्ट के द्वारा आदमी अंधा हो जाता है, बुद्धि काम नहीं होती। कई बार लोग एक दूसरे को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं ना, और उसे एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये वार्निंग साइंस है, ये सिग्नल्स को आप संभाल के रखे, नहीं तो बड़े बड़े शूरवीर गिर पड़े हैं हमको बहुत सावधानी के साथ में ना। एक और एक सातवां पॉइंट लेना चाहता हूं, अंतर्गत को बांटना ना, शेयरिंग इंटीमेसीज ना। कई बार लोग अपने जीवन में अंदर घर में क्या बीत रहा है किसी और के साथ बांटना चाहते हैं, फेसबुक ट्विटर इंटरनेट के द्वारा कई बार अपने जीवन की कहानियां लोग दूसरों को सुना रहे हैं, किसको सुनाऊं किसको बताऊं मैं ना। और अगर ऐसी बातें कुछ हो रही है तो हम बहुत सावधानी के साथ में, ये आपका हक और अधिकार नहीं है उनके घर में और उनके बेडरूम में क्या हो रहा उस बातों को सुनने का ना, ये शैतान आपके लिए जाल बिछा रहा है, हमको सावधानी बनाना बहुत जरूरी है। आखिरी एक और एक पॉइंट लूंगा, दूसरे को क्या लगता है या दूसरे क्या कहते हैं ना, दूसरे लोग क्या सोच रहे मेरे ये व्यवहार के साथ में, क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी को।
देखो आज हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां लोग हमको बहुत नजदीक से देखते हैं और बाइबल कहती है हमको तो एक अच्छा उदाहरण रहना चाहिए हमारे सोसाइटी में। दुनिया तो अलग ही अपना सबक सिखाती है। फिल्मी गाने कई बार ये भी कहते हैं भैया प्यार किया हो तेर से, दुनिया से क्या करना है अपन को, दुनिया बोलते रहे बकते रहे और एक दूसरे को प्यार। आज तो लोग शर्माते भी नहीं अपना प्यार प्रकट करने के लिए, समाज ऐसा बनते जा रहा है। परंतु बाइबल में लिखा है पहला तिमोथी 4:12 में पौलुस कहता है न कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन चाल चलन प्रेम विश्वास पवित्रता में विश्वासियों का लिए आदर्श बन जा। Now we are called to be examples. Examples हम इस दुनिया में होने पाए, मेरे वर्क प्लेस में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, ना कैसा नैतिक व्यवहार एक व्यक्ति का रहना चाहिए। ना मैं कहना चाहता हूं ये कुछ 8 points ना जो मैंने यहां पर आपके साथ में शेयर किया हूं, इसको आप ध्यान में रखें, जरूर से आपका लाभ होगा, आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। ना मैं आपके लिए, आपके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर शैतान ऐसा कोई जाल बिछा रहा है ना, अधिकार के साथ में हम प्रार्थना करेंगे शैतान की युक्तियों को नष्ट कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक घर और परिवार के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये हर एक घर परिवार पति पत्नी को आपके पवित्र लहू में हम ढाक देते हैं, जवान बच्चों को तेरे लहू में हम ढाक देते हैं प्रभु, शैतान इनके आगे में कोई जाल ना बिछाने पाए, शैतानिक युक्तियां यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं, शैतानिक बंधन दुष्टात्मा के कार्य को यीशु के नाम से नष्ट कर देता हूं प्रभु जी। आज के घर में प्रभु असीम शांति और आनंद से भर दे पिता, हर एक की रक्षा कर, कोई ठोकर ना खाने पाए, ना कभी गिरने पाए। आपके नाम से हर एक को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। नीचे दिए गए नंबरों में आप संपर्क करिए, आपके लिए जरूर प्रार्थना की जाती है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।